Thank you.
श्री अनुपम मिश्र जी, मुख्य वक्ता श्री सच्चिदानंद सिन्हा को साल भेंट कर स्वागत करेंगे। श्री सुरेंद्र कुमार जी, सचिव गांधी शांति प्रतिष्ठान, मुख्य वक्ता का संक्षिप्त परिचय देंगे। आप सबों का स्वागत है। जिस तरह का प्रबुद्ध समाज यहाँ एकत्रित है, उसके बीच आदरणीय सच्चिदानंद जी का परिचय मुख्य रूप से सब लोगों को पता है, फिर भी एक औपचारिकता के नाते मैं श्री सच्चिदानंद जी का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखने का कोशिश कर रहा हूँ। श्री सच्चिदानंद सिन्हा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए परिवार से आते हैं। इनके पिताजी और इनके नाना जी भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी थी और राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे थे। श्री सच्चिदानंद सिन्हा 1942 में छात्र जीवन से अपना संघर्ष शुरू किया जो अनवरत चल रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान आप जयप्रकाश जी के विचारों के सानिध्य में आए और जेपी लोहिया की धारा में समाजवादी आंदोलन में सक्रिय हो गए। किसानों मजदूरों के आंदोलनों और उनके लिए संघर्षों में आप लगातार सक्रिय रहे हैं। 1947 के बाद आप समाजवादी आंदोलन में अपना जीवन पूर्णकालिक रूप से दे दिया। सबसे पहले हजारीबाग में मजदूरों के यूनियन में काम करने के लिए आपको भेजा गया। वहां आपने कोल वर्कर्स यूनियन के साथ मिलकर के काम किया। हिंद मजदूर पंचायत की स्थापना के समय आप उसमें प्रतिनिधि थे। कुछ समय बाद आदरणीय सचिदा बाबू मुंबई चले गए और वहां रॉयल मजदूरों के यूनियन के लिए काम किया। 1952 के पहले आम चुनाव के समय सचिदा जी मुंबई में सोशलिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहे थे। कुछ समय बाद आप बिहार लौट आए और समाजवादी आंदोलन में को वहीं संगठित करने में जुट गए। 67 में जो एक गैर कांग्रेसवाद का लहर उठा और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसकी जो प्रक्रिया थी, उसके जो क्रियाकलाप थे, उसे छू धोकर आपने वैचारिक जड़ों को तलाशने की यात्रा शुरू की। 1968-69 के बाद पूरी तरह से आप अकादमिक क्षेत्र में आ गए। 1969 में शोध और वैचारिकता के तलाशने के लिए आप दिल्ली आए और यहाँ राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से संबंधित कई शोध परक और गंभीर पुस्तकें लिखी। दिल्ली प्रवास के दौरान ही आपातकाल लागू हुआ, जिसके विरुद्ध भी आप संघर्ष में सक्रिय रहे। आपकी चर्चित पुस्तकें का विवरण जो आपके बीच में आपको लोगों का आमंत्रण पत्र दिया गया है, उसमें पुस्तकों के विषय में पूरी चर्चा की गई है। 1980 में गठित समता संगठन और 1995 में समाजवादी जन परिषद की स्थापना में सच्चिदानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सच्चिदानंद जी 1987 में दिल्ली से मुजफ्फरपुर के मनिका गांव लौट गए और तब से लगातार जन आंदोलनों, संघर्षों, लेखन मनन में संलग्न हैं। दो कमरों के खपरेल घर में बिना बिजली पंखे आपकी साधना किसी ऋषि की तपस्या के सदृश है। हिंदी की सभी पुस्तकें जो आपकी प्रकाशित हुई है, आपने इसी स्थान मनिका गांव से ही बैठ करके लिखा है। आपके लेखन की विशेषता है कि इसमें गंभीरता के साथ साथ दूरदृष्टि समाहित है। राजीव गांधी जब 2/3 बहुमत करके लोकसभा में आए थे और भारत में के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय ही आपने एक पुस्तक लिखी, कॉलिशन इन पॉलिटिक्स, और लोगों को आगाह किया कि भारत की राजनीति अब एकाधिकार में नहीं रहने वाली है। इसी आगे चल करके ये कॉलिशन सरकार का स्वरूप लेगा जिसे हम आज देख रहे हैं।
इसी तरह संभवतः सबसे पहले आपने इंटरनल कॉलोनी लिखकर राष्ट्र और राज्य के अंदर आंतरिक उपनिवेश के माध्यम से संसाधनों के शोषण का सवाल उठाया। सचिदानंद जी के गांधी के को ऐसा बुद्ध के बाद गांधी को ऐसा व्यक्तित्व तो मानते हैं जिनके विचार दुनिया में अहिंसा के माध्यम से फैले। 60-70 साल के जीवन में आंदोलनों में सघन सक्रियता के साथ साथ इस तरह का गंभीर वैचारिक लेखन हम सबको लिए प्रेरणादायी है, वह भी बिना किसी अकादमिक समर्थन फेलोशिप या किसी समूह से बिना किसी सहायता के इतना काम करना सचमुच आश्चर्यजनक है। उदारीकरण का दौर शुरू होने के पहले से ही लगभग 25-30 वर्षों से आप पूंजीवादी विकास के खतरों, उसकी कमियों और सीमाओं को बड़े साफ विचारों के साथ उजागर तो करते ही रहे हैं, उसका विकल्प भी पेश करते रहे हैं। इस उदारीकरण की आलोचना तो अब चारों ओर शुरू हो गई है, लेकिन स्पष्ट विकल्प बताने वाले शायद आप जैसे कुछ लोग ही हैं। आज जब शहरीकरण का ग्लैमर छाया हुआ है, लोग गांव से शहरों की ओर आप भाग रहे हैं, आपका दिल्ली से गांव वापस जाना भी आपको अपने विचारों और सभ्यता संस्कृति को बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 83 साल की उम्र में आप आज भी पूर्ण रूपेण सक्रिय हैं, अपनी लेखनी के द्वारा विभिन्न जन आंदोलनों को दिशा देने के साथ साथ हाशिए के लोगों, किसान मजदूरों के संघर्षों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। इन दिनों मुजफ्फरपुर में मरवन गांव में एस्बेस्टस फैक्ट्री जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है तो लगाने के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है, वहां के ग्रामीणों ने जो छेड़ा है उसको सक्रिय मार्गदर्शन और नेतृत्व देने का काम आज भी आप वहाँ रह करके कर रहे हैं। तो सचिदा बाबू का जीवन बिल्कुल सादगी भरा जीवन है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आमंत्रण इन्होंने स्वीकार किया और आज हमारे बीच गांधी शांति प्रतिष्ठान व्याख्यान को देने के लिए उपस्थित हैं। धन्यवाद। गांधी शांति प्रतिष्ठान का व्याख्यान परिचय। गांधी शांति प्रतिष्ठान का यह हिंदी व्याख्यान की शुरुआत 16 साल पहले सन 1995 में। इस व्याख्यान की कड़ी में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से प्रमुख हैं श्रीमती रागनी प्रेम, श्री नारायण देसाई, श्री यशपाल जैन, श्रीमती कपिला बासायन, डॉक्टर नामवर सिंह, स्वामी अग्निवेश, श्री प्रभाष जोशी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, श्री कुमार प्रसाद। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज के व्याख्यान के मुख्य वक्ता श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी से विषय है गांधी और व्यावहारिक अराजकतावाद। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी, जब भी कुछ गड़बड़ हुआ उसके खिलाफ आंदोलन किया, बगावत किया,
लेकिन अभी भारत में गांधी जी की जो प्रतिमा बनाई जा रही है वो एक ऐसे देवता की जो पूज्य देवता है जो जो कुछ भी देश में